आफ्टर लॉकडाउन ही मेरी पहली ट्रेन जर्नी है, तो उस हिसाब से इतना चेकअप हो रहा था, जैसे लग रहा था फ्लाइट में भी इतना चेकअप नहीं होता होगा। लो लो सैनिटाइज हो रहा है। लंच आइए लंच। बढ़िया, बैग भी हम लोग का सैनिटाइज हो गया, पीछे पूरा मशीन लगा हुआ है सैनिटाइजर वाला। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपना ट्रेन पकड़ने के लिए, और मेरे सामने काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि भाई इतना सिक्योरिटी पहली बार ट्रेन में मैं देखा हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एयरपोर्ट पे जब मैं फ़्लाइट पकड़ रहा था तब इतनी सिक्योरिटी थी। सिवन भाई, पहली बार मैं स्टेशन इतना खाली देख रहा हूँ, आफ्टर लॉकडाउन मैं पहली बार आ रहा हूँ स्टेशन, ये सीन शायद ही देखने को मिलेगा मैं अपने पूरे लाइफ में, और चाहते भी नहीं है देखना, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी से स्टेशन में कभी हम लोगों ने घुसा नहीं। और दूसरी बात ये कि सबसे मेन मतलब और सबसे दुखदाई चीज़ ये था कि आज हम दोनों ने टिकट लिया ट्रेन के लिए। भाई जनरली तो वी आर हैविंग द पास, रेलवे पास, उसको उसके थ्रू हम लोग ट्रैवल करते थे, क्योंकि उससे फ्री रहता था हमारा ट्रैवलिंग। और इस बार हम लोग ने टिकट कटाया है, वो भी 350 का, तो थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा था जब पहले टिकट कराया था, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे भी आईडी भी नहीं था IRCTC का। ट्रेन्स तो ऑलमोस्ट खाली है पूरी, क्योंकि ये ट्रेन वैसे दिल्ली चल रही है, तो बहुत सारा क्राउड ऑलरेडी जिसको जहाँ जाना था वो वहाँ पहुँच चुका है। ये है C1, यही है अपना कोच, और यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं अभी। दिस इज़ द C1, हमने पुश कर दिया है, और यहाँ पे 28-29 इज़ आवर बर्थ। अच्छा यही है, धीरज पहले से पहुँच चुके हैं। धीरज मूव बा। पहले मतलब आधे घंटे पहले आने बोला गया था, हम लोग थोड़े से लेट हो गए थे, लेकिन फिर भी दे कंसीडर्ड अस एंड फाइनली हियर है नाउ। ब्रेकफास्ट में डिनर कर लेना है। ये डिनर क्या हो भाई, डिनर नहीं किया, मैंने बस थोड़ा हल्का सा राइस लिया था एंड उसके बाद में प्रोटीन शेक लिया। राइस विद ब्रोकली विद एस्पैरागस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट स्टार्ट हैविंग अ राइस मील एंड देन वी विल ईट इन द दुर्ग। ज़्यादा तेज बन रहा है आप लोगों के सामने, है वही टिपिकल इंडियन जो भीड़ भड़ा के में धूल खाते हुए घूमते रहता है। किस बात का लाइन है, चेकअप होगा ना, पूछेंगे, पूछताछ करेंगे कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो,
बाप रे। अभी मैंने ऑफिशियल से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये लाइन ख़त्म होने के बाद एक बैग सैनिटाइजेशन का प्रोसेस है, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देन हमें जाने मिलेगा। वैसे तो वो व्लॉग को मुझे वहीं पे एंड करना पड़ गया था, क्योंकि जो जहाँ पे मेडिकल चेकअप हो रहा था कोविड का, वहाँ पे मतलब जहाँ पे टेम्परेचर वगैरह चेक हो रहा था वहाँ पे नो फोटोग्राफी जोन थी, वो मुझे मालूम नहीं था क्योंकि कहीं लिखा भी नहीं था, तो उन्होंने मुझे वो मेरा वो वाला फुटेज भी डिलीट करा दिया था एंड वहाँ पे मैं व्लॉग को एंड कर दिया। तो उसके बाद मैं जैसे ही घर आया एक सुकून मिला, क्योंकि इस कमरे से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 4 महीने बाद मैं अपने हॉस्टल रूम में आ रहा था। असली सुख तब मिला जब 4 महीने बाद आपकी गाड़ी वैसी पड़ी हो और पहली सेल्फ में। और कुछ नहीं, इसको यहीं एंड करते हैं। अलविदा, शुक्रिया, थैंक यू वॉचिंग दिस असिकम व्लॉग्स, सी यू अगेंस्ट द नेक्स्ट वीडियो। हाँ, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया हो जाके सब्सक्राइब कर देना।